चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं। बस ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या बोला था आपने? विशाल जी आपको याद नहीं है? गजब बेइज्जती है। सड़ेले सड़ेले पड़ेले चल निकल इधर से, तू निकल जा, ताकि रख समझ में लौट। स्वागत है गाइस एक और बिग बॉस रिव्यू एपिसोड में, और आज हो गई है लड़ाई लफकेश और नेजी द बा के बीच में। और मेरे को लगता है कि भाई लफकेश भाई पूरे अब जोश में है, और सिस्टम 2.0 को अब लगी है आग, और ये आग पता नहीं कितने दिन जलेगी। फिलहाल लोग ढूंढ रहे थे इम्पोस्टर यानी बाहर वाला, इन्हें नहीं मिला बाहर वाला। कितने बेवकूफ है ये, और इन्हीं लोगों के लिए टर्न बना है बेवकूफ का बच्चा। बेवकूफ का बच्चा क्या होता है? तुम होते हो। अपना कटारिया तो भाई खुलेआम कहता है कि भाई टच कर लो मेरे को, कर लो टच, जो उकाड़ना उकाड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। और नेजी बोलता है और भाई मुझसे पंगा लेगा तू, जानता है तू कौन है? और ऐसे ही नेजी ने शुरू किया। तो गाइस शाम हो चुका है और अब रात भी होने वाला है, 9 बजने वाले हैं और लगभग बज चुके हैं, और अब स्टार्ट होने वाला है बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस OTT सीजन 3 का वीकेंड का वॉर का वक्त हो चुका है, और चलिए घर वालों की तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं। फिलहाल अभी सुबह हुई है और घर वाले आराम से चिल कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, और वीकेंड का वॉर अभी शुरू हुआ नहीं है। तब तक मैं थोड़ा शिवी के साथ मार्केट जा रहा हूँ और वो कर आते हैं, और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या होता है। प्राइस अब हम फुचका दुकान है, फुचका खाने के लिए दादा बोधी के ऑपोजिट में। अब देख सकते हैं शिवांगी को प्रोजेक्ट का सामान लेना था, उसने ले लिया। तो गाइस आ गया है मेरा फुचका। तब हम लोग हनुमान मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। हाय गाइस अमरजीत रेस्टोरेंट में हमारा खाना आ चुका है। हमने मंगाया चिली पनीर तड़का, वेज तड़का, क्योंकि आज सैटरडे है। और ये रुमाली रोटी भाई एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, देखो एकदम सॉफ्ट है रुमाली रोटी। और ये खाकर उसके बाद घर जाना है। गाइस शुरू हो चुका है बिग बॉस, और बिग बॉस ने टास्क दिया है घर वालों को अपना ओपिनियन रखने के लिए, और मुंह पे आटा लगा। गाइस सना मकबूल ने डिफेंड नहीं किया नेजी को, और नेजी को नॉमिनेट कर दिया, और इसी बात पे से डांट पड़ रही है, और नेजी ने भी सना के तरफ से सपोर्ट खींच लिया है खुद का, क्योंकि सना जब उसके काम नहीं आई तो नेजी उसका काम कैसे आ सकता है, ऐसा अनिल कपूर जी ने बताया है। गाइस पायल आई है बिग बॉस में अपना ओपिनियन लेकर, बाहर हो गई है, तो अब बाहर से आई है बाहर वाला बनकर ओपिनियन लेकर। भाई वहाँ वाला बात उठा लिया गया है, जो टीका भाभी बहुत अच्छी है, और उसकी तारीफ करते हुए उसने कहा था कि मैं गिल्टी फील करता हूँ, ये बात बोला था। एक चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं, बस इस साल की लग गई है वाट अनिल कपूर और पायल ने, आज पूरा बदला लगता है विशाल का ले लिया है, और भाई पूरा हालत खराब हो चुका है विशाल का। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना ओपिनियन रखा था, लेकिन यहाँ पर खुलासा हुआ चंद्रिका का। चंद्रिका जो विक्टिम कार्ड खेल रही है उसका खुलासा किया। केतन को उसने टारगेट बनाया था, उसके बारे में झूठी अफवाह उड़ाई थी कि वो उसे मसाज देना चाहता है, बट उसने खुद कहा था कि उसके बॉडी में पेन हो रहा है, और इसीलिए वो उसको
बोल रहा था कि ऐसा मतलब दीदी मानकर कि भाई अगर दुख रहा है तो मैं दबा देता हूँ, और उसी को गलत तरीके से डिकोड किया उसे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, कल पता चलेगा कि कौन होने वाला है एलिमिनेट, घर से होगा कौन बेघर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि रात के बजने वाले हैं 1 और मुझे आ रही है नींद। सुबह फिर से दौड़ भाग का समय शुरू हो जाएगा यार, सुबह आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। शिवांगी अभी भी पढ़ाई कर रही है, देखो अपना प्रोजेक्ट कर रही है। तो गुड नाइट गाइस, ब्लॉग को लाइक कर दो और कल पता चलेगा कौन होने वाला है एलिमिनेट, और मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तेज नींद आ रही है भाई, मैं जा रहा। मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप।